आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 16 से 27। वे पांचों राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला, पांचों राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़का कर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इसराइली उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़ वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए और इसराइलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन पांचों राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लाकिश और एग्लोन के उन पांचों राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इसराइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और पांच वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहाँ वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुँह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। वे आज तक वहीं रखे हुए हैं।